प्रिय दोस्तों, मेरे YouTube के चैनल यूनिक एवन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के NCERT मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है जरा सा पढ़ लेते हैं। HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 का ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ये प्रश्न क्या कह रहा है जरा इसको समझना बहुत जरूरी है कि क्या इसमें दिया है और क्या निकालना है। तो इस लाइन को जरा सा आप गौर से देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 9 दिया है। किसका HCF दिया हुआ है, 306 और 657 का, ठीक है। ये पहली संख्या होगा और ये हमारी दूसरी संख्या, और इसी का HCF हमारा कितना दिया हुआ है, 9 दिया है। अब देखिए LCM ही निकालना है, उसके बाद क्या किसका निकालना है, वही संख्या जो पहली संख्या में 306 था और 657, उसका हमें LCM ज्ञात करना है, पता करना है। तो यहाँ क्वेश्चन से साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर पहली संख्या ये दिया हुआ 306, दूसरी संख्या जो दिया हुआ 657 और उसका HCF दिया हुआ है, और उसका LCM हमें पता नहीं है, हमें उसे फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पहली संख्या 306 हो गया, दूसरी संख्या ये जो दिया हुआ है 657 हो गया, HCF इसका 9 हो गया, इसका हमें LCM ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, हमें पता है इस चैप्टर से हम लोग पढ़े थे, एक सूत्र पढ़े थे कि कोई भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF गुणा LCM के बराबर होता है। मतलब दी गई जो दो संख्या होती है, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM होता है। ये सूत्र हम पहले लिख लेते हैं। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि HCF गुणे LCM जो होता है वो बराबर होता है किसके, पहली संख्या को गुणा कर देते हैं दूसरी संख्या से। ओके, देखिए इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर HCF का जो वैल्यू है वो हम बैठाएंगे, LCM हमें निकालना है उसको वैसे ही रखेंगे, पहली संख्या में जो दिया हुआ है 306 उसे बैठाएंगे, दूसरी संख्या जो दिया हुआ संख्या उसको बैठाएंगे, इस तरह से हम लोग इसे क्या करेंगे, हल कर देंगे, तो हमारा यहाँ से LCM ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए HCF हमारा कितना है, 9 है, गुणे LCM हमें निकालना है तो उसे ऐसे ही लिखेंगे हम, यहाँ बराबर पहली संख्या कितना दिया हुआ है 306 वो लिख देंगे, गुणे दूसरी संख्या हमारा कितना दिया हुआ है 657, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें LCM ज्ञात करना है, तो सारे जितने भी संख्याएं हैं सबको बराबर के एक तरफ करेंगे, एक पक्ष में करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LCM बराबर 306 गुणे 657। अब ये गुणा में है तो ये इधर आएगा तो कहाँ पर जाएगा, ये बटे में जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ बीच में जो बराबर का जो साइन आ रहा है, तो आगे जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पर हम बराबर नहीं देंगे, ये और का साइन लगाएंगे, ठीक है, इसे हिंदी में या कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से और का साइन देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है, यहाँ जो है 306 गुणे 657 और उसके बटे में 9 है, मतलब 9 से ये भी कट सकता है और ये भी कट सकता है, किसी को भी हम 9 से डिवाइड करके काट सकते हैं, तो ये 9 से कटेगा, देखिए 9 से कटेगा, ये 9 7 63 और यहाँ फिर 2 बच जाएगा, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा 27, 9 3 27। अब जो कट गया उसे छोड़ देना है, अब हमारा बचा क्या, LCM बराबर 306 गुणा 73। अब हम इसे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो जब हम इसे गुणा करेंगे ना तो हमारा LCM कितना आएगा पता है, इसको जब गुणा करेंगे तो हम पाएंगे 22 33 8, तो ये हमारा हो जाएगा LCM। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए LCM बराबर 22 33 8। जो क्वेश्चन हमको पूछा था कि वही संख्या जो है 306 657 का, उसी का क्या निकालना है, LCM, और वो LCM हमने यहाँ पर ज्ञात कर दिया, यही हो गया इसका आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर किसी प्रकार का आपको इस क्वेश्चन में या कोई भी क्वेश्चन में जो भी हम बता रहे हैं आपको वीडियो के माध्यम से, किसी प्रकार का भी आपको समस्या अगर होगा तो कमेंट में ज़रूर लिख दें, उसका समाधान हम आपको ज़रूर करके भेजेंगे। और इसी प्रकार का मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।